अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई शाकिब शेख और आप सभी तक एक मैसेज पहुंचा कि अजीम नवाज साहब की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। एक छोटा सा उनके साथ में हादसा हुआ, वो खुद अजीम नवाज साहब आपको बताएंगे, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो के बाद में मतलब ये अभी वीडियो मेरा ख़त्म होगा बोलने के बाद में, तो अजीम नवाज साहब खुद आपको बताएंगे कि उनके साथ में क्या प्रॉब्लम हुई, कैसा हुआ, क्या हुआ। तो कोई भी अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए और अजीम नवाज जी के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्दी से सही हो जाए और स्टेज पर वापस आए। और देखिए, मैं हॉस्पिटल का ही मैंने वीडियो बनाया है, तो अजीम नवाज जी को देखिए और ये वीडियो को पूरा देखिए। लोग बता रहे हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी से। ये है, मैं सच्चाई ये बता दूं आपसे कि मैं आगरा प्रोग्राम में जा रहा था और चलती ट्रेन में वॉशरूम से बाहर निकला और वॉशरूम से बाहर ही मेरा पैर स्लिप हो गया और उसमें मेरा एक पैर मुड़ गया, जिसकी वजह से मेरी हड्डी में क्रैक आ गया। तो ये हादसा जो हुआ वो ट्रेन में हुआ मेरे साथ में। तो लोग जो अपनी तरफ से कहानियां बना रहे हैं कि कोई कह रहा है एक्सीडेंट हो गया, कोई कह रहा है कि पूरी पार्टी के एक साथ एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्लाह के करम से और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बस दुआ कीजिए आप लोग, बस जो हुआ है मेरे साथ में आपके भाई को, भाई के लिए दुआ करें। दवाखाने में ही है तो अजीम नवाज साहब को आप लोग देख सकते हो। अजीम नवाज साहब आपकी दिलों की धड़कन, जो आपके फैंस देख रहे हैं। अजीम नवाज साहब आप दो बोल उल्ले को आप कुछ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। मेरे सभी चाहने वालों को अजीम नवाज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाइयों को नमस्कार। आज बहुत खुश हूँ मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ। तकलीफ में हूँ मैं, थोड़ा पैर की हड्डी क्रैक हुई मेरी, लेकिन खुशी इस बात की है कि मुझे देखने के लिए आज मेरी बहन रेहाना बॉस आई है। दुनिया के लिए रेहाना बॉस है लेकिन मेरी बहन है। रेहाना आपा बोलता हूँ मैं, रेहाना मेरी बहन है। दुनिया के लिए कुलसुम नायक है लेकिन मेरे लिए सोने की दुकान है, जैसा कि मैंने टाइटल दिया उनको। तो ये लोग मुझे देखने के लिए मेरे तक आए, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं इसके लिए तो क्या कहूँ, मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ, मेरी शबनम जिनको आप शबनम पठान के नाम से जानते हैं इंस्टाग्राम पे, वो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो। और ये मेरी बहन शबाना आई है मुझसे मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए इंट्रोड्यूस में करा था। अभी और हमारे भाई साजिद भाई आए हैं और हमारी बहन, ये तुम्हारे पड़ोसन है तुम्हारे, जी जी पिंकी आपा भी आई है मुझे देखने के लिए। मैं इनका शुक्रिया अदा इसलिए नहीं करूंगा, शुक्रिया तो गैरों का अदा किया जाता है, लेकिन इन लोगों जो आए तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह इनको सलामत रखे, खुश रखे और अल्लाह आप लोगों को भी सलामत रखे, खुश रखे। मेरे हक में दुआ करें, कल मेरा ऑपरेशन है और सक्सेस हो जाए ऑपरेशन। तो दोस्तों देख सकते हो कि छोटा सा एक मतलब कोई बड़ा इशू नहीं है, तो प्लीज आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दे। खुद अजीम नवाज साहब ने वीडियो में आके आपसे बात की है, तो मैं भी हाना बॉस जी को भी वीडियो में ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह मेरे भाई के लिए दुआ करो, एकदम टकाटक के भाई, दबंग है दबंग। हाँ, सलमान के लिए कैसा उतर दे पब्लिक, वैसा मेरे भाई के लिए भी दुआ करो बस। और कुलसुम नायक जी भी यहाँ पे आए देखने के लिए अजीम नवाज साहब को। काफी लोग माशाल्लाह दुआ भी कर रहे हैं, जैसे कि काफी लोग दुआ भेज रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये सबके चाहते हैं, सबके दिलों पे राज करते हैं, इसके लिए इनको बोलते हैं टाइगर अभी जिंदा है। और माशाल्लाह सब लोग दुआ करो, कल सुबह ऑपरेशन है 7 बजे, इनका ऑपरेशन माशाल्लाह अच्छे से हो जाए और ये बहुत जल्दी बोल देना कि 8-10 दिन में चलते फिरते आपको दिखाई देंगे। तो जो इनके चाहने वाले जो दिल से चाहते हैं दुआ दो कि बस सुबह इनका जो ऑपरेशन है वो अच्छे से हो जाए, है ना। और दोस्तों मेरे वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्पेशल गेस्ट जो है वो अजीम नवाज साहब के वाइफ, अजीम नवाज साहब के हम सफर, अजीम नवाज साहब के दोस्त भी, अच्छे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड जैसे रहते हैं शबनम पठान जी, जिनको आप शबनम पठान के नाम से जिनको इंस्टाग्राम हम लोग हस्बैंड वाइफ बाद में, पहले हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे बेस्ट एकदम। तो इतना वो कोई ऑब्जेक्शन ना इधर से कोई ऑब्जेक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अभी आप लोग सब दुआ करो कि अभी अजीम हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटलाइज है और छोटा सा क्रैक हुआ है पैर में, तो इंशाल्लाह ताला कल सुबह ऑपरेशन है और छोटा सा ऑपरेशन है घंटे का, तो आप लोग सब लोग दुआ करो कि अल्लाह जल्दी से शिफाए कामिल अता करे इंशाल्लाह ताला, फिर वो आप लोगों के पास इंशाल्लाह, जैसा परफॉर्मेंस देगा उससे अच्छा परफॉर्मेंस। और फिर गरीब नवाज वाली कवाली या ख्वाजा करम कर करम की घड़ी है भाई साजिद भाई थोड़ा सा, और ये पिंकी इधर लेना पिंकी साजिद की पड़ो सर बोलो चलो दुआ करो सब दुआ करो जल्दी जल्दी भाई अच्छी हो जाए वापस सबको कवाली सुनना है और पहले से भी so, और जल्दी से जल्दी पेशेंट है और ये अजीम राजा को देखना है, खुद पेशेंट रह के आ गए देखो, इनका जस्ट ऑपरेशन हुआ है अभी और पेट के टाके भी नहीं खुले और ये खुद इनको देखने को अजीम राजा को, तो सोचो ये सोचो कि इनके कितने बड़े बड़े फैन है कि इनका ऑपरेशन हुआ है अभी और उसके बाद में भी ये इनको देखने आई है, बहुत बड़ी बात। इनकी कव्वाली सुनने गुजरात में भी गए थे जबकि इनके ऑपरेशन हुआ था टाके में, उसके बोलने पे ही हम लोग सब लोग गए थे। और ये रियाना बॉस आना बॉस और ये कवाली में बॉस, हाँ अभी एक एक स्पेशल गेस्ट और है हमारे हमारे नए सेम टू सेम, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग मतलब पता नहीं कर पाओगे दोनों में कुलसुम नाई जी कौन है, अजीम भाई मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है माशाल्लाह, हम दोनों की बहुत बहुत ज्यादा जमती है और अल्लाह हम दोनों को ऐसे ही खुश मोहब्बत से रखे, और अभी थोड़ी उनकी तबीयत खराब हो गई है, ज्यादा नहीं है सिर्फ थोड़ी सी है, आप लोग देखना चाहेंगे तो दुआ है, आप लोग सबकी दुआ है जो अजीम भाई बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे माशाल्लाह, कल उनका ऑपरेशन है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो प्लीज गाइस देख सकते हो आप लोग ये, तो कोई अफवाह पे ध्यान ना दीजिए, आप लोग वीडियो देख लो फाइनली और कल इंशाल्लाह ऑपरेशन हो जाएगा और अजीम राणा साहब एक 15 से 20 दिन में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे और फिर स्टेज पे आएंगे और फिर हक मोइन का नारा लगाएंगे और ख्वाजा जी की कवाली गाएंगे, और जिस जिसकी कवाली का ऑर्डर लिए थे नहीं पहुंचे, तो हम लोग कल भी वीडियो डाले थे कि हम लोग माफी चाहते हैं क्योंकि आप लोग इनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, क्योंकि ये खुद से पाव जरा भी हिला नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी दो दो हड्डी थोड़ी टूट गई है, तो आप लोग जो प्रोग्राम रखे समझ सकते हैं कि ऐसे हालात में इंसान ना बैठ सकता है ना खड़े रह सकता है, पाव ही नहीं उनका हिल रहा था, हाँ इतने प्रॉब्लम में थे, इसके लिए ये बार आपकी कव्वाली में नहीं आए तो माफी चाहते हैं, इंशाल्लाह अगली बार आएंगे आप लोगों की कव्वाली में इससे ज्यादा धमाल मचाएंगे, तो आप लोग भी दुआ करो और बुरा मत मानो कि हम लोग इनको बुक कराए थे या आए नहीं, वही तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं इनका पाव, ठीक है, और सबेरे 7 बजे है ऑपरेशन, ऑपरेशन अब तक लगा इसके लिए नहीं हुआ क्योंकि ज्यादा सूजन थी तो डॉक्टर लोग ने मना कर रहे थे, और कल ऑपरेशन हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर जल्द से जल्द ठीक होएंगे, फिर आप लोग की महफिल में ही आएंगे एकदम टाइगर के जैसा आएंगे और धमाल मचाएंगे, नहीं शेर सिर्फ जख्मी हुआ है, टाइगर अभी जिंदा है, अभी बहुत बोलेगा।